फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में। दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो। इस चैनल पे मैं वीडियोस तो अपलोड करता ही हूँ। मेरे चैनल का नाम मनचाओ व्लॉग्स है, आपने पढ़ा ही है। लेकिन डिटेल में मैं अगर प्रॉपर बोलूँ कि प्रॉपर माय फर्स्ट व्लॉग, तो ये प्रॉपर एक वीडियो व्लॉग होने वाला है। तो अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरा नाम है मनोज चौहान, मेरी एज है 22 और मैं रहता हूँ वल्लभ विद्यानगर आनंद गुजरात इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आनंद के बारे में अगर बात करूँ ना मैं, तो जैसे आपने कोटा राजस्थान के बारे में सुना होगा, जहाँ पे JEE IIT के लिए बच्चे प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, वो उस चीज़ का पूरा हब है, लाइक कोटा फैक्ट्री आपने सुना है, राइट। तो सिमिलरली विद्यानगर जो है ना, वो पूरा मतलब यू नो कॉलेज का हब है। यहाँ पे हर एक फील्ड के कॉलेज मौजूद है, मतलब यहाँ पे 100-150 कॉलेजेस हैं मतलब यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की स्टडी करता हूँ। और वैसे सुबह के बज गए हैं 7 ऑलमोस्ट, तो मैं उठ चुका हूँ फ्रेश व्रेश होके, और 9 बजे से मेरा कॉलेज होता है। सो अभी मैं कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ निकलने के लिए, और आपको अपडेट देते रहूँगा। सो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो उस हिसाब से प्लीज़ प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, ठीक है, प्यार बरसाते रहिएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बता पाएंगे। तो आपको फटाफट से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे सुबह होती है, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। आपको भी आवाज़ भी मेरी काफ़ी क्लियर आ रही होगी, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, बर्ड्स का आवाज़ आते रहता है, और बाहर बहुत बढ़िया पेड़ है, और ऐसे मौसम काफ़ी सही हुआ हुआ है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर मैं बाहर जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा एक मैंगो ट्री है, और यहाँ से अगर देखूँ तो क्या फर्स्ट क्लास नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। इतना सुंदर यहाँ पे एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, और देखिए यहाँ पे चारों तरफ ट्रीज हैं, लाइक ये एकदम नेचुरल एक्सपीरियंस देता है। बिकॉज यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी शांति है। ये देखिए, ये आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है। हेलो। तो मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ, रास्ते में कुछ चीज़ें अगर मुझे इंटरेस्टिंग मिलेंगी तो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगा। और अगर आप विद्यानगर से हो ना, तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कहाँ से देख रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो फाइनली मैंने अपना बैग वैग रेडी कर लिया, अब निकलते कॉलेज के लिए, और फटाक से कुछ बाहर अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। विद्यानगर के अंदर, विद्यानगर आनंद गुजरात इंडिया, अगर आपको लोकेशन सर्च करना तो गूगल मैप पे कर। तो आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है, बट मैं शास्त्री मैदान पे आ गया हूँ। ये विद्यानगर का काफ़ी फेमस पॉइंट है, और यहाँ पे यूजुअली मैं रिफ्रेश होने के लिए आता हूँ, और यहाँ पे शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो बारिश है, तो अंदर काफ़ी ग्रास वगैरह हो गई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये काफ़ी कमाल का नज़ारा है, यहाँ पे अंदर वॉक करने में काफ़ी मज़ा आती है। और विद्यानगर के स्ट्रीट्स कुछ ऐसे दिखते हैं शास्त्री मैदान के साइड में। अगर आप इस जगह पे आए हुए हो या आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, बिकॉज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी पीसफुल है। आप देखो बर्ड्स का शिमरिंग कितना सही है अभी। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग सुबह सुबह यहाँ पे है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सब यू नो सुबह एनर्जी बिल्डअप करने के लिए आते हैं। ये देखिए काफ़ी शानदार वॉलीबॉल हो रही है, क्या बात है, सही है। तो यहाँ पे वाइब काफ़ी बढ़िया आती है। तो ये है भाई का सर्कल, ये आनंद का, और ये जो जब आप आनंद से आते हो ना यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहला जो सर्कल पड़ता है वो है भाई का सर्कल। तो यहाँ पे देखो काफ़ी रश रहता है ट्रैफिक, बिकॉज ये मेन जंक्शन है विद्यानगर में। और जब भी आप विद्यानगर आते हो ना, तो आनंद से आपको लगभग 10-1 मिनट का रास्ता है अगर आप आराम से आते हो,
तो ये जंक्शन पड़ता है, और यहाँ से आप सीधा अगर जाओगे यहाँ से तो शहीद चौक आएगा, और यहाँ से जाओगे तो आपको मोटा मोटा बाजार आएगा, राइट। तो ये है भाई काका सर्कल। दोस्तों इस सर्कल पे जो ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, इसकी एक खास बात बताता हूँ कि ये हमेशा ऑरेंज ही रहती है, ना कोई सिग्नल आता है, सिर्फ ये स्लो चलना होता है यहाँ पे, बस ये हमेशा ब्लिंक होती रहती है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा के रखा है, बट हाँ ये है, मतलब अगर आप विद्यानगर आओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। आप बताना मुझे कमेंट्स में कि ये बात सही है या गलत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ शहीद चौक पे, और ये शहीद चौक पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है अपने शहीद भगत सिंह जी को, देखिए आप, और सारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी ऐसे मेन हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है, काफ़ी सही है। और ये वाला जो सर्कल है इसे बोलते हैं हम शहीद चौक सर्कल, और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे इस साइड तो आपको मोहिनी कॉर्नर मिलेगा, जहाँ से ये टर्न कट रहा है ना वहीं से मोहिनी कॉर्नर है, एंड यहाँ से फिर से आप जाओगे तो फिर से मोटा बाजार आ जाएगा, एंड देन अगर यहाँ से आप जाओगे सीधा तो यहाँ पे ये जो है ना यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आगे जाओगे तो वहाँ पे मैं अभी जा के दिखाता हूँ आपको, ये है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो उनका जो मेन ऑफिस है ना ऑपरेटिंग ऑफिस वो यहाँ पे है, और यहाँ पे तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। अभी तो नए नए यूनिवर्सिटीज़ भी आ गए हैं, CVM यूनिवर्सिटी भी आ गई है। सो ये है शहीद चौक। तो मैं आ चुका हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सामने, ये मेन यूनिवर्सिटी है देखो यहाँ पे, ये काफ़ी फेमस फ़ोटो आपको हर जगह इंटरनेट पर मिल ही जाएगा। तो दिस इज़ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एंड मॉर्निंग वॉक के लिए अंकल आ गए हैं, कम जो तो ये देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी एकदम यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी नियम कानून यहाँ पे, देखिए दो दो सिक्योरिटी वाले हैं। फिर से अगर आप यूनिवर्सिटी से अगर सीधा जाओगे तो इस वहाँ पे आएगा शास्त्री मैदान, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था। सो ये पूरा राउंड है वल्लभ विद्यानगर, आपको मैं गूगल का मैप दिखा देता हूँ, तो ये पूरा राउंड है, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा शहीद चौक, जहाँ पे अभी मैं खड़ा था थोड़ी देर पहले। मैदान का मेन गेट है जिसको आप फ्रंट बैक जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, एग्जैक्ट इसके अपोजिट में एक दूसरा गेट है, और देखो अंदर लोग काफ़ी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम में अगर शूटिंग कर रहा हूँ इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे अपने काम पे जा रहे हैं, और यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हैं, तो सब अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कोई सुबह आता है कोई शाम को आता है, बट जो लोग भी फिटनेस फ्रीक है ना वो लोग तो यहाँ पे आते ही है, और मेनली स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिफ्रेशमेंट टाइम यही होता है शास्त्री मैदान। तो हम PPICT में हैं, और मेरे कॉलेज से पहले ये कॉलेज आती है, तो रास्ते में है, देखते हो काफ़ी बड़ी कॉलेज है लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। खैर जितने भी हैं इनसे, और यहाँ पे देखिए और भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है यहाँ पे। एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, भले मेरा जो कॉलेज एकदम गांव के कोने में ऐसा मान सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे आते हो तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है फॉरेन में आ गए, पूरे लाल कलर की बिल्डिंग है, और ये देखो वहाँ से आर्किटेक्चर कॉलेज जो जितना सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है ना वो इतना ज़बरदस्त दिखता है। दोस्तों अभी मैं 15-20 मिनट पहले अभी घर पे आ गया था फ्रेश फ्रेश होके, मैं ये लास्ट का ऑटो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, सारी चीज़ों से ऑफकोर्स कवर नहीं कर सकते बिकॉज पूरा दिन इतना यू नो हेक्टिक रहता है, पूरा मेरा ये शेड्यूल काफ़ी रोज़ का ऐसा ही रहता है, मतलब ऐसा। तो आज का दिन काफ़ी मेरा प्रोडक्टिव तो रहा ही है, और आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, भाई घूम घूम के थक गया हूँ मैं, क्योंकि रेगुलरली तो एक ही रास्ते से जाना होता है, बट आपको दिखाने के लिए मैं सारी जगह घूमा। तो इस स्ट्रगल मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगले ब्लॉग में मैं बात करूंगा कि भाई
अगर कोई स्टूडेंट है, बिकॉज ये एजुकेशनल हब है विद्यानगर, तो अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर विद्यानगर आता है तो उसके लिए कैसा रहता है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। क्या रहने की अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अकोमोडेशन भी हैं, कहाँ खाने पीने का क्या सीन है। वैसे विद्यानगर में खाने पीने का तो कोई इशू नहीं होता, रात को भी मिल जाता है, दिन में भी मिल जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि जो बेस्ट बॉर्नविटा मिलता है विद्यानगर का वो कहाँ मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अच्छे अच्छे तरीके की यू नो कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, दिल से प्यार बरसाइए दोस्तों। थैंक यू।